हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। तो फ्रेंड्स, 21 फरवरी के कुछ टायर टू के क्वेश्चन आ गए हैं। देखिए, सर्वर में खराबी होने की वजह से जो पेपर था वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया था, तो कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से पेपर एक्सटेंड हुआ था। स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था, तो बहुत ही गलत बात है ये एसएससी कर रही है। ठीक है, तो यार हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी तैयारी करते हैं, और उसके बावजूद अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो फिर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, मैं तो सीधी बात बोलूँगा। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि आज क्या क्या पूछे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था, ये तो मेरे को आसान लगे काफ़ी क्वेश्चन। ये आपका एक स्क्वेयर है, ठीक है, और ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो ये मेरे को ए बी सी डी दिया हुआ है और ये ई है, तो मेरे को ये एंगल बताना है। ठीक है, सी ई बी मेरे को क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इजी है, ये 60 है, ये 90 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये 60, और ये स्क्वायर है तो ये 90 होगा। ठीक है, तो सी बी ई इज इक्वल टू 150। अब देखिए, हमारी ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, बिकॉज ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड इक्वल होती हैं, और ये स्क्वायर है, इसकी सारी साइड इक्वल है, तो मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये और ये इक्वल होगी, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल हो गया, यानी कि 2x प्लस 150 इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 30 एंड x इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो ये मेरे पास कितना हो गया, 15 डिग्री। यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, कितना आसान है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन मेरे को क्या पूछा हुआ है, हाँ जी, सिकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, ये मेरे को दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें पता है कि इनका एक इन्वर्स रिलेशन होता है, मतलब मैं बता देता हूँ, सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही होता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सिकेंट थीटा, ये आपको मूज वन ही याद होना चाहिए, सिकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स माइनस टू एक्स बाय टू, सिकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1, तो सिकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस टू और में एक्स माइनस टू। ठीक है, अब सिकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस टू और में एक्स प्लस टू, और सिकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल हो गया, एक्स प्लस टू और में एक्स माइनस टू, इनको आपस में ऐड करिए तो टू सिकेंट थीटा इज इक्वल टू, इनको ऐड करके मेरे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस फोर इंटू ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, सीधा सीधा, तो यहाँ से सिकेंड थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर में एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। तो मेरे को कोस सिकेंड, इसमें कोस थीटा की वैल्यू बतानी थी, तो इसका इन्वर्स कोस सिकेंड कोस होता है, तो कोस की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये उसका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखिए, जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ था। ठीक है, ए बी सी, ठीक है, तीनों मिलके, देखिए स्टेटमेंट एग्जैक्ट नहीं मिली है मेरे को, थोड़ा आइडिया मिला है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। ए बी सी किसी काम को करते हैं 36 डेज में, सी अलोन किसी काम को करता है 12 दिन में, अलोन, और ये टुगेदर, ए प्लस बी टुगेदर वर्क, ए प्लस बी टुगेदर कितने दिन में वो काम करेंगे, सिंपल सा आंसर है। अब ए प्लस बी का टुगेदर प्लस सी का एक वन डे वर्क निकालो आप। ठीक है, सपोज करो ये टुगेदर मिलके एक्स दिन में करते हैं, तो 1 + x + 1/c का एक दिन का काम इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो 1/x इज इक्वल टू 1/36 माइनस 12, ये कितना आ गया, 36। देखिए, हो सकता है इसमें स्टेटमेंट शायद थोड़ी सी गलत हो। ठीक है, एक सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन देखिए,
तो मुझे कंफर्म नहीं है, आई एम नॉट कंफर्म्ड कि ये क्वेश्चन करेक्ट है कि नहीं है। तो एक और क्वेश्चन देखिए, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं एक आर्टिकल पे, 25% 25%, तो आपको नेट सक्सेसिव डिस्काउंट बताना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का? ए प्लस बी माइनस ए बी बाय 100, 25 प्लस 25 माइनस 25 इंटू 25 बाय 100, ठीक है? ये मेरा आंसर हो गया। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। अगर आपके पास क्वेश्चन हो तो प्लीज़ वो क्वेश्चन मुझे सेंड कीजिए, और मुझे कमेंट में बताइए कि आज का पेपर कैसा आया था, हार्ड था कि टफ था।